नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं शिवम यादव। आप सभी का स्वागत करता हूं लाइव टुडे के इस खास कार्यक्रम मेरा देश मेरा गांव में, जहां हम बात करते हैं खेती किसानी की, पशुपालन की और नई तकनीकी की जो आपके लिए फायदेमंद हो सकती हैं। किसान अपनी फसलों को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, कैसे बेहतर मुनाफा कमा सकते हैं, हम अपने इस कार्यक्रम में किसान भाइयों को बताते हैं। कार्यक्रम के आज के इस भाग में हम बात करेंगे बुधवार देर शाम आए भयंकर तूफान से बर्बाद हुए गेहूं और दूसरी फसलों के बारे में। किसानों के लिए ये सप्ताह अच्छा नहीं रहा। देश में बेमौसम बारिश और ओले गिरने से उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा जैसे कृषि आधारित राज्यों समेत गुजरात, राजस्थान में भी किसानों ने बड़ा नुकसान उठाया है, उनकी फसलें बर्बाद हो गई। दूसरी ओर मंडियों में रखा किसानों का गेहूं भीग गया। ये रिपोर्ट देखिए। फिरोजाबाद में कल देर शाम भयंकर तूफान आया, जिसके चलते कई बीघा फसल नष्ट हो गई। मुख्य तौर पर गेहूं की फसल बर्बाद हुई है। अब किसान परेशान है और सरकार से उम्मीद लगा रही है कि उनके नुकसान की भरपाई हो। वहीं अब प्रशासन भी नुकसान के आकलन करने में जुटा है। दरअसल देर शाम तेज आंधी चली, इस आंधी के चपेट में जो आया वो तबाह हो गया। फिरोजाबाद में भी इस आंधी का असर देखने को मिला। कुदरत के कहर की सबसे बड़ी मार किसानों को लगी, जो पहले से ही कर्ज और फसल को लेकर परेशान चल रहे थे। पर अब जब उनकी खड़ी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है, तो वह अपनी बदहाली पर रो रहा है। उत्तर प्रदेश और हरियाणा के कई इलाकों में बीती 6 अप्रैल से तेज आंधी के साथ बारिश शुरू हुई। हरियाणा में हजारों क्विंटल गेहूं मंडियों में पड़ा हुआ था, वो खराब हो गया। अचानक बारिश की वजह से गेहूं भीग गया। दूसरी ओर कई जिलों में तेज आंधी की वजह से गेहूं की जो फसल कटने के लिए तैयार खड़ी थी वो पसर गई, काफ़ी नुकसान हुआ है। और ऐसी हालत में उत्तर प्रदेश के पीलीभीत, लखनऊ और बाराबंकी के अलावा फिरोजाबाद जैसे ज़िलों में जहां किसानों के कटे हुए गेहूं की फसल पड़ी हुई थी, उसको भी नुकसान पहुंचा है। आंधी इतनी तेज़ थी कि कई ज़िलों में पेड़ भी गिर गए, इससे किसानों की गेहूं की फसल बर्बाद हुई और बारिश का जो पानी था वो खेतों में भर गया। आइए जानते हैं फसल बर्बाद होने पर किसानों ने क्या कहा। क्या नुकसान हुआ आंधी से? आंधी से हमारे खेत सभी भीग गए हैं, 10-15 दिन में सूख गएंगे, सब सल गया, कोई सब खेत में कुछ बचा ही नहीं, नुकसान भारी हुआ है ना घरे में। क्या हो सकता है, भगवान कह रहे हैं ये सारा। देखो वहाँ तक पूरे फैले डरे, यहाँ पर देखो एक कुछ नहीं बचा है, सब खराब हो गया, सब खराब हो चुका है। बस भी चल जाएगा, ये बस तो किसी काम का रहा नहीं। अरे आंधी से क्या नुकसान हुआ है आपका? आंधी से सर हमारा तो बहुत नुकसान हुआ है, हमारे सारे खेत का कुछ नहीं रहा है उसमें। गेहूं थे कितना पूरा खराब हो गया? गेहूं टोटली खराब है, बिखर गया चारों तरफ, यहाँ कैसे बटोर लेंगे इसे। बारिश, आंधी और ओलों ने किसानों की कमर तोड़ दी है। खेतों में कटा गेहूं, खड़ा गेहूं पूरी तरह से बर्बाद हो गया। तैयार लहसुन की फसल भी बरसात में काफी प्रभावित हुई है। हरी मिर्च की खेती करने वाले किसानों को भी बरसात ने काफ़ी निराश किया है। इतना ही नहीं, आम की जो बागवानी करते हैं किसान, उनको भी काफ़ी नुकसान हुआ है। 6 अप्रैल के अलावा भी 11 अप्रैल की रात में लखनऊ, मथुरा समेत कई जिलों में बारिश होने से किसानों को बेमौसम बारिश की वजह और आंधी की वजह से बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है। कृषि आधारित राज्य पंजाब और हरियाणा में भी बीती 11 अप्रैल को बारिश, आंधी और ओले से किसानों की माथे की चिंता की लकीरें बढ़ा दी। मौसम विभाग का कहना है कि एक तरफ पंजाब में लगभग पूरे राज्य में बारिश हुई है, तो दूसरी तरफ हरियाणा में भी कई क्षेत्रों में बारिश हुई है। इससे पहले बीती 9 अप्रैल को दोनों राज्यों में बारिश हुई थी और इसकी वजह से किसानों की गेहूं की फसल को नुकसान हुआ था। आपको बता दें कि पंजाब और हरियाणा देश में प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य हैं। ज़्यादातर खेतों में पानी भर गया है, जिससे गेहूं गलने की ज़्यादा संभावना है। खेतों में कटी सरसों की जो फसल है वो भी सड़ रही है। 3 दिन पहले हुई बारिश में भीगी कटी फसल किसानों ने सूखने को डाली थी, लेकिन बारिश से भीगा गेहूं अब अंकुरित भी होने लगा है। टनकपुर के आमबाग, ककराली गेट, सेलानी गेट, बचई और मनिहार गोट में करीब 2 दर्जन से अधिक किसानों की गेहूं की फसल बारिश में भीगकर खराब हुई है। वहीं ओलावृष्टि से आम, लीची आदि फलों के बौर को भी नुकसान पहुंचा है। इधर प्रशासन ने अब तक फसलों के नुकसान की कोई सूचना उपलब्ध नहीं होने की बात कही है। उन्होंने बताया कि फिर भी राजस्व विभाग को क्षति की जानकारी जुटाने को कहा गया है। अब प्रशासन नुकसान का आकलन करने में लगा हुआ है और जगह जगह लेखपाल अधिकारी मिलकर नुकसान का आकलन कर रहे हैं, ताकि
किसानों को मुआवजा दिया जा सके। जिलाधिकारी की टीमें लगी हुई हैं नुकसान का आकलन करने के लिए। ऑफ रिकॉर्ड अधिकारी टुंडला क्षेत्र से 25% नुकसान मानकर चल रहे हैं, पर अभी भी आकलन सही नहीं हो पाया है। इस पर फिरोजाबाद के जिलाधिकारी नेहा शर्मा से हमारे संवाददाता सौरभ शर्मा ने बातचीत की। पूरे जनपद में ये सभी जगहों पे, विशेष रूप से हमारे जो तहसील के सुदूर क्षेत्र हैं वहाँ पर काफ़ी फसल का नुकसान हुआ। साथ ही साथ में एक बड़ा खेदजनक दुखद विषय था कि जनपद में 4 ह्यूमन लाइफ का भी लॉस हुआ है, जिसमें 3 वयस्क और 1 बालक की मृत्यु हुई है, और कैटल और जो गोट कई लोग पशुपालन में हैं तो वहाँ भी मृत्यु की जानकारी और सूचना हम लोगों के द्वारा एकत्रित की गई है। सभी रेवेन्यू की टीम सभी जगहों पर क्रियाशील की जा चुकी थी और ये लोग मौके पर गए। हमारे लेखपालों की टीम ने मौके पर आंकलन किया कि किस तरह की क्षति हुई है। खास तौर पे गेहूं की फसल खड़ी थी, वहाँ पर बहुत लॉस हुआ है। टुंडला क्षेत्र में विशेष रूप से गेहूं की फसल को नुकसान हुआ है। कुछ आंकलन जो है जसराना और सिरसागंज की तरफ से आया है, लेकिन सिरसागंज आलू का बुआई का क्षेत्र है तो वहाँ पर फसल को नुकसान कम है। तो इस तरह से हम लोग सभी तरीके से एक समेकित इन्फॉर्मेशन का संकलन कर रहे हैं और इस पूरी सूचना के संकलन के बाद कॉम्पनसेशन देने की कार्रवाई भी त्वरित गति से की जाएगी। जो डेथ हुई है, जिन लोगों की मृत्यु हुई है, उनको दैवीय आपदा के मद से 4 लाख रुपए की धनराशि फैमिली को सहायता के रूप में दी जाएगी। तो किसान भाइयों, ये तो थी तूफान से बर्बाद हुई गेहूं और दूसरी फसलों से जुड़ी हुई बात। अगर आपको भी कोई समस्या है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम एक्सपर्ट्स के जरिए आपकी समस्याओं को दूर करने की कोशिश करेंगे। आप अपना बहुमूल्य सुझाव भी हमें हमारे टोल फ्री नंबर 1800-121-0199 पर दे सकते हैं। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस वक्त खेतों में फसलें लगभग पूरी तरह से तैयार हो गई हैं। अपनी फसल के विकास को देखकर किसान भाई काफ़ी खुश हैं, लेकिन मौसम की मार कहीं ना कहीं किसानों के माथे पर शिकन लाती है। इस समय अगर मौसम बदल रहा है तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप अपनी फसलों में कीटों का प्रकोप कैसे कम कर सकते हैं। कीटों के प्रकोप के अधिक तीव्र होने पर आपको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है। भाइयों, कार्यक्रम के आज के इस भाग में हम बात कर रहे हैं बदलते मौसम की वजह से जो कीट प्रबंधन करना है वो आप कैसे करें। रिपोर्ट देखिए। बदलते मौसम की वजह से फसलों पर कीटों का प्रकोप बढ़ रहा है। किसान भाइयों, आपके जहन में एक बात तो जरूर आ रही होगी कि आखिर बदलते मौसम की वजह से हमारी फसलों पर कीटों का प्रकोप कैसे बढ़ सकता है। तो आपको बता दें कि फसलों के लिए सामान्य तौर पर पूर्वैया हवा नुकसानदायक होती है। पुरवैया हवा चलने की वजह से वातावरण में नमी सी छा जाती है, जिससे फसलों पर सुंडी कीट के प्रकोप का खतरा बढ़ जाता है। फसलों में सुंडी लगने से किसानों की समस्या बढ़ गई है। इसके प्रकोप से फसल सूख जाती है। एक तरफ से देखा जाए तो सुंडी कीट फसलों के लिए मुख्य समस्याओं में से एक है, जो हमारी फसलों को कई तरह से नुकसान पहुँचाती है। आइए जानते हैं फसल में सुंडी कीट के लक्षणों के बारे में। सुंडी कीट के लक्षण। फसल की बिजाई के 15 दिन बाद सुंडी कीट का प्रकोप बढ़ना शुरू हो जाता है। बदलते मौसम में वातावरण में नमी की अधिकता होने पर इसका प्रकोप अधिक होता है। शुरुआत में खेत के बीच में भ्रमण करने से 1-2 पौधे सुंडी से ग्रसित मिलते हैं। पौधा ऊपरी हिस्से से सूखने लगता है और पत्ते सूखने से पहले पौधा मुरझा जाता है। देश में लगभग 169.478 मिलियन मीट्रिक टन सब्जी का उत्पादन होता है, जिसमें से 30% तक कीट और सूक्ष्म जीवी रोगों की वजह से बर्बाद हो जाती है। इसी के आधार पर अनुमान लगाया गया है कि हमारी फसलों को कीटों से कितना नुकसान होता है। खराब फसल की बाजार में मांग कम होती है, जिससे किसानों को मुनाफे की जगह नुकसान उठाना पड़ता है। सुड़ी कीट खासतौर पर अरहर, मेथा और मूंगफली जैसी फसलों को नुकसान पहुंचाता है। फसल सुरक्षा वैज्ञानिकों का मानना है कि पुरवैया हवा
इस कीट की बढ़ोतरी में सहयोगी होती है। इसके चलने से सुड़ी तेजी से बढ़ती है। सुड़ी एक ऐसा कीट है जो पत्ती, तना और फल को नुकसान पहुंचाता है। चलिए आपको बताते हैं कि कौन कौन से तरीके हैं जिनको अपनाकर आप इस कीट से या दूसरे कीटों से फसलों को बचा सकते हैं। कीटों से बचाव। कीटों के बचाव के लिए फेरोमोन ट्रैप का प्रयोग करना चाहिए। फसल को कीटों से सुरक्षित रखने के लिए नीम के तेल का 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। अगर ज्यादा प्रकोप दिखे उस अवस्था पर इंडोक्सा कार्ब के 1 मिलीलीटर की मात्रा को 1 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। छिड़काव करते समय ध्यान रखना चाहिए कि हवा ना चल रही हो, इसलिए सुबह या फिर शाम को 5 बजे से 7 बजे के बीच में छिड़काव करना चाहिए। छिड़काव करते समय मुंह पर मास्क जरूर लगाना चाहिए। सुंडी कीट मूंगफली की पूरी पत्तियों को खा जाता है और टमाटर के फलों में छेद करता है, जिससे उनकी गुणवत्ता में कमी आ जाती है और बाजार भाव भी कम हो जाता है। किसान भाइयों, सुंडी कीट से बचाव के लिए कई उपचार हैं। कृषि वैज्ञानिक बताते हैं कि सबसे पहले किसानों को अपने खेत की निगरानी करनी चाहिए। सुबह से शाम तक कम से कम 10 मिनट तक खेत का निरीक्षण करना चाहिए। सुंडी का रंग पत्तियों जैसा ही होता है। अगर पत्तियों का रंग हरा होता है तो हरी सुंडी होगी और अगर पत्तियां काले रंग की होती हैं तो सुंडी भी उसी रंग की होगी। खेत के निरीक्षण के समय प्रति स्क्वायर मीटर क्षेत्र में 2 से अधिक सुंडी दिखाई दे तो समझ लेना चाहिए कि सुंडी का प्रकोप अधिक है। किसान भाइयों को चाहिए कि खेत में टहल कर सुंडी को इकट्ठा करते चले और फिर उन्हें खेत से बाहर किसी गड्ढे में दबा देना चाहिए। सब्जियों की खेती में कीट सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, जिनको नियंत्रित करने के लिए किसान अंधाधुंध तरीके से पेस्टिसाइड्स दवाइयों का इस्तेमाल करता है, जिससे न सिर्फ सब्जियों की गुणवत्ता खराब होती है बल्कि स्वास्थ्य के लिए काफी नुकसानदेह है। कीटों के नियंत्रण के लिए फेरोमोन ट्रैप एक ऐसा उपाय है जिससे कीटों पर कंट्रोल पाने के साथ ही फसलों को भी जहर मुक्त बनाया जा सकता है। फेरोमोन ट्रैप पर विभाग की ओर से 75% का अनुदान दिया जाता है। सीईबी एक्सपर्ट के अनुसार 1 एकड़ में 10 से 20 ट्रैप लगाए जाते हैं। लगाए जाने वाले ट्रैपों पर लगभग 1,600 रुपये तक का खर्च आता है, जिस पर किसानों को सरकार से 1,200 रुपये तक सब्सिडी मिल जाती है। किसान भाइयों को फेरोमोन ट्रैप के लिए मात्र 400 रुपये अपनी जेब से खर्च करने पड़ते हैं। फसल में जब कीटों की सघनता बढ़ जाए तभी कीटनाशक का प्रयोग करना चाहिए। किसानों को चाहिए कि खेत के आसपास खरपतवार ना उगने दें और एक ही फसल बार बार नहीं लगाना चाहिए। स्टिकी ट्रैप कई तरह की रंगीन शीट होती है जो फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए खेत में लगाई जाती है। इससे फसलों पर आक्रमणकारी कीटों से रक्षा हो जाती है और खेत में किसी प्रकार के कीटों का प्रकोप है कि नहीं इसका भी पता चल जाता है। तो किसान भाइयों, ये तो थी बदलते मौसम की वजह से बढ़ते कीटों के प्रकोप से जुड़ी जानकारी। अगर आपको भी कोई समस्या है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम अपने एक्सपर्ट्स के जरिए आपकी समस्याओं को दूर करने की कोशिश करेंगे। साथ ही अपना बहुमूल्य सुझाव भी आप हमें दे सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-121-0199। किसान भाइयों, आपकी सहायता के लिए लाइव टुडे की ओर से चलाए जा रहे कार्यक्रम मेरा देश मेरा गांव में अब तक हमने आपको कई सारी फलों, फसलों, फूलों की खेती के बारे में बताया है, पशुपालन के बारे में बताया है और आपकी समस्याएं भी दूर करने की कोशिश की है। हमने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है जो कि बिल्कुल निःशुल्क है, आप इससे हमसे संपर्क कर सकते हैं। इस हेल्पलाइन नंबर पर किसानों की ओर से सवाल भी पूछे गए और हमें सराहा भी गया, समस्याओं के निदान भी हमने किए हैं। आज भी तमाम किसानों ने हमसे सवाल पूछे हैं और हमने कोशिश की है कि अपने विशेषज्ञों के माध्यम से उन सवालों का जवाब दिया जाए। कुछ ऐसे ही सवाल हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, ये वो सवाल हैं जिसे किसान भाइयों ने हमसे सीधे पूछा है। मध्य प्रदेश के रहने वाले किसान भाई प्रवीण कुमार ने हमारे टोल फ्री नंबर पर हमसे संपर्क किया और अपना सवाल हमारे सामने रखा। आपका सवाल।
प्याज की खेती के बारे में जानकारी चाहिए। हमारा जवाब, प्रवीण जी, प्याज को विभिन्न प्रकार की मिट्टी में उगाया जा सकता है। प्याज के खेत में जल निकास की उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए। प्याज बोने के लिए मिट्टी का पीएच मान 6.5 से 7.5 सर्वोत्तम माना जाता है। खेत में पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करने के बाद 2-3 जुताई देसी हल से करें। प्रत्येक जुताई के बाद पाटा अवश्य लगाएं। प्रवीण जी, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अब आइए बात करते हैं आज के दूसरे सवाल की। अलीगढ़ के रहने वाले किसान भाई पवन सिंह ने हमारे टोल फ्री नंबर पर हमसे संपर्क किया। उन्होंने हमसे जानना चाहा है। आपका सवाल, अदरक की खेती के बारे में जानकारी चाहिए। हमारा जवाब, पवन जी, अदरक की खेती गर्म और नमी युक्त जलवायु में अच्छी तरह से की जा सकती है। अच्छी तरह परिरक्षित प्रकंद को 2.5 से 5 सेंटीमीटर लंबाई के 20 से 25 ग्राम के टुकड़े करके बीज बनाया जाता है। इसकी खेती के लिए बीज की मात्रा जलवायु के हिसाब से अलग अलग होती है। बुआई के समय 25 से 30 टन प्रति हेक्टेयर की दर से अच्छी तरह अपघटित गोबर खाद या कंपोस्ट को बुआई के समय डालना चाहिए। बुआई के समय 2 टन प्रति हेक्टेयर की दर से नीम केक का उपयोग करने से गलन रोग और सूत्रकृमियों का प्रभाव कम होता है, जिससे उपज बढ़ जाती है। पवन जी, आपको भी आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अब आइए बात करते हैं आज के तीसरे सवाल की। हापुड़ के रहने वाले किसान भाई सौरभ मौर्य ने हमारे टोल फ्री नंबर 1800-121-0199 पर अपनी समस्या रखी। उनका सवाल है। आपका सवाल, चुकंदर की खेती के बारे में जानकारी चाहिए। हमारा जवाब, सौरभ जी, चुकंदर को सभी प्रकार की जलवायु में सुगमता से उगाया जा सकता है। चुकंदर की अच्छी उपज के लिए 20 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उपयुक्त होता है। प्रथम जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करने के बाद एक बार हैरो चलाकर कल्टीवेटर से क्रॉस में जुताई करनी चाहिए। आखिर में पाटा चलाकर खेत को समतल कर देना चाहिए। एक अंकुर वाली जातियों में 5 से 6 किलोग्राम और बहु अंकुर वाली जातियों में 10 से 12 किलोग्राम बीज को फफूंदी नाशक से उपचारित करके बोना चाहिए। कतार से कतार की दूरी 50 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 20 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। सौरभ जी, उम्मीद करते हैं कि आपको भी आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और आप संतुष्ट होंगे। तो किसान भाइयों, ये तो थी आज की वो समस्याएं और उनके समाधान जो आपने हमसे पूछे। हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे द्वारा और हमारे एक्सपर्ट्स के जरिए जो समाधान दिए गए हैं उससे संतुष्ट होंगे और आगे भी खेती किसानी से जुड़ी हुई किसी भी समस्या के लिए हमसे हमारे टोल फ्री नंबर 1800-121-0199 पर संपर्क करते रहेंगे और अपने बहुमूल्य सुझाव हमें देते रहेंगे। आज के इस कार्यक्रम में किसान भाइयों, फिलहाल के लिए बस इतना ही। खेती किसानी से जुड़ी कुछ और जानकारियों के साथ हम आपसे दोबारा रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।